नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रमित शिवाच और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या बड़े बदलाव हो सकते हैं नोरसेट 2023 के सिलेबस में, पैटर्न में, और कैसे हर साल पेपर थोड़ा सा चेंज होके आता है। क्योंकि पिछले 3 साल का जो पेपर है, जिसमें कि 6 शिफ्ट में पेपर हुआ है टोटल, और उसमें टोटल 1080 MCQ आए हैं जो नोरसेट का पेपर हुआ पिछले 3 साल में, 20, 21 और 22 में, और उन 1080 क्वेश्चंस के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, उनके एक PDF प्रिपेयर कर रहा हूँ। उस PDF की सारी जानकारी के लिए आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम दिख रहा है। और आने वाली वीडियो है 4 मार्च को, जिसमें कि मैं टोटली आपको 1080 क्वेश्चंस आपको बता दूंगा कि ये क्वेश्चन आए थे और कैसे, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन रिपीट होते हैं, कैसे उनका पैटर्न चेंज होता है, कैसे उसकी लैंग्वेज चेंज करके एक पेपर बनाता है जो एम्स दिल्ली पेपर डिजाइन करता है, उसके बारे में मैं डीपली स्टडी कर रहा हूँ। वो वीडियो जल्दी आने वाली है, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि क्या पैटर्न रहता है, क्या सिलेबस रहता है नोरसेट 2023 का, क्या रह सकता है, और पिछले 3 जो नोरसेट के पेपर हुए हैं उनमें क्या पैटर्न फॉलो किया है नोरसेट ने, एम्स ने, जिससे कि चेंजेस आते जा रहे हैं हर साल और हम उसी में 1-2 नंबर 2-3 नंबर में हम रह रहे हैं जो चीज़ें, और कैसे हम इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं और हम एक बेटर और अच्छा पेपर दे के हम एम्स में नर्सिंग ऑफिसर लग सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को और ये इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले तो आप सबको पता है कि 90% जो सिलेबस रहता है वो नर्सिंग का आता है, और उस 90% में हमारे जो 19 सब्जेक्ट हैं नर्सिंग के, उन्हीं से नर्सिंग के क्वेश्चन आते हैं। कुछ भी क्वेश्चन ज़्यादा बाहर से नहीं आते हैं, 1-2 क्वेश्चन आ जाता है इधर उधर से, लेकिन बाकी सारे जो हमारे 19 सब्जेक्ट नर्सिंग के हैं फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर, उन्हीं से आते हैं। अगर अभी आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर या फाइनल ईयर में आप अभी पढ़ रहे हैं कॉलेज में, तो अपनी स्टैंडर्ड बुक को अच्छे से फॉलो करें, उन्हीं के अंदर से वही बुक आपको नोरसेट में और नर्सिंग ऑफिसर इन एम्स, आपकी जो ड्रीम हो सकता है उसको आपके क्लियर करने वाली है, उसी को आपका पूरा करने वाली है, वो बुक आपके लिए सबसे ज़्यादा मेजर है। PR टारगेट ये बाद की बातें हैं, सॉन्डर्स एंड क्लेक्स ये सब बाद में पढ़ने की चीज़ें हैं, लेकिन अपनी बेसिक्स बुक्स जो स्टैंडर्ड बुक है उनको फॉलो करें। मैंने बहुत सारी वीडियो में ये चीज़ बताई है, और वही सिलेबस जो 19 सब्जेक्ट हमारे, वही एक ऐसी चीज़ है जो हमें नोरसेट के लिए, मतलब एक ऐसी वैल्यू जो प्रोवाइड करेंगे, जो स्टैंडर्ड डाटा हमें प्रोवाइड करवाएंगे, वो वही 19 बुक है। मेरे पास सारे सब्जेक्ट की बुक है, अगर मेरे को किसी भी बुक में ऐसे लगता है कि ये क्वेश्चन गलत है या ठीक है, मेरे को डाउट आता है किसी भी कहीं पे भी, तो मैं सारी चीज़ें मेरी स्टैंडर्ड बुक से मैच करता हूं। जैसे मैं TNC का पेपर देता हूं डेली जो टेस्ट होता है, क्योंकि एक MCQ प्रैक्टिस के लिए मैंने TNC टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, वहां से डेली एक पेपर देता हूं। उस पेपर में जितनी भी गलतियां आती हैं, कई बार बच्चे कहते हैं कि ये क्वेश्चन मेरे को सही नहीं लग रहा, एक्चुअली वो क्वेश्चन सही होता है क्योंकि उन्होंने टारगेट PR फॉलो करी है, वहां पे वो क्वेश्चन गलत दिया होता है, लेकिन स्टैंडर्ड बुक में WHO की साइट पे अगर हम देखते हैं जब जाके कि एक्चुअली आंसर क्या है, तो वहां पे पता चलता है कि कैसे आपको सही डाटा लेना बहुत ज्यादा जरूरी है पहले तो, और सिलेबस को फॉलो करने के लिए। हाँ, 90% आएगी नर्सिंग और 10% आएगी मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश, एप्टीट्यूड बोलते हैं जिसको, मैथ को, वही क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के, मैथ के और इंग्लिश के, और कुछ क्वेश्चन आएंगे GK के। ये जो 20 नंबर का पार्ट रहेगा ये भी इतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पार्ट के लिए आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं, लाइक इंडिया की हिस्ट्री वगैरह, ये सब चीज़ें मैं यहाँ पे स्क्रीन पे आपको एक फोटो शो कर रहा हूँ, इसको आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ये चीज़ें वो हैं, वो 20 नंबर का पार्ट है जहाँ से कि क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले कई सालों में। मैंने ये चीज़ फॉलो की है, मैंने ये चीज़ नोट की है कि पिछले 3 सालों में इनसे बाहर जो ये टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं, इससे बाहर कुछ भी पोर्शन नहीं आता GK का, मैथ का, एप्टीट्यूड का और इंग्लिश का, यही वो पोर्शन है। ये सारे फोटोज मैं आपको शो कर रहा हूँ जो स्क्रीन पे, यही वो पोर्शन है जो 20 नंबर का, और ये भी आपके सिलेक्शन में एक मेजर रोल अदा करता है। अगर आपका ये 20 नंबर का कंटेंट अच्छे से क्लियर होता है तो आपका एक बहुत मेजर चंक आपका क्लियर हो जाता है और आपको एक बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल जाता है। वहीं पे बात करें अगर 180 क्वेश्चन जो कि नोरसेट में आते हैं नर्सिंग के, जिनको मैं एक PDF में प्रिपेयर कर रहा हूँ, पूरे 1080 क्वेश्चन जो 6 शिफ्ट में पेपर हुआ उनको, उसमें मैंने पेपर देखा है, यहाँ अभी तक मेरे पास 600 से 700 क्वेश्चन आ गए हैं जो कि मतलब बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं, और हर साल के क्वेश्चन मैं कंपेयर कर रहा हूँ, हर साल के मैं टॉपिक कंपेयर कर रहा हूँ। लास्ट ईयर मैंने 200 इंपॉर्टेंट टॉपिक की एक वीडियो बनाई थी जो कि आपने देखी होगी, और नहीं देखी हो तो आप जाके देख सकते हैं मेरे YouTube चैनल पे। उस वीडियो में भी मैंने वही टॉपिक बताए थे जो एम्स हर साल टच करता है, उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, और मैंने उस वीडियो के जो टॉपिक लिखे थे और जो की बार नोरसेट 2022 हुआ था वो मैंने मैच किया था, वहां से 120 से 130 क्वेश्चन उन टॉपिक से आए थे जो मैंने वहां पे बताए थे। वो एक ऐसी चीज, अगर आप वो टॉपिक भी क्लियर कर लेते हैं तो आपके 130 नंबर आ सकते हैं, और 130 नंबर मतलब 122 नंबर पे जिस बंदे को 1000 रैंक मिल रहा है,
तो आपके 130 आएंगे तो आप टॉप रैंकर में पहुंच जाएंगे, टॉप 100 में पहुंचने की आपकी बहुत ज़्यादा उम्मीद है। 130 नंबर लेके आना नोरसेट में एक ऐसी चीज़ है, अगर आप 130 ले आते हैं, 200 में से 130 ले आओ, चाहे आप 130 अटैम्प्ट करके आओ, सारे सही करके आओ, एक भी नेगेटिव नहीं करके आना, तो आपके आराम से क्लियर हो सकते हैं। और मैं रिकमेंड करूंगा कि 150 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आना, वो पेपर के जस्ट 10 दिन पहले मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बता दूंगा कि कैसे वो 150 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, कैसे अपने नेगेटिव कम करने हैं और उसको बेटर तरीके से पेपर को अटैम्प्ट करना है, जो कि मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करूंगा। उसके लिए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना है, नई नई वीडियो आती रहती है, इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपके लिए आता रहता है, जो कि आप डेली फॉलो करते हैं, जिससे आपको कुछ ना कुछ हेल्प जरूर होती रहती है। और अगर बात करूं मैं नर्सिंग के पार्ट की, नर्सिंग के पार्ट में यहाँ पे सबसे पहले है मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी, यानी हमारी ओबीजी का सब्जेक्ट है। नेक्स्ट जो है हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड, कम्युनिटी फार्मेसी से रिलेटेड, हमारा कम्युनिटी से रिलेटेड, फार्मेसी से रिलेटेड, फार्माकोलॉजी से रिलेटेड, हॉस्पिटल क्लिनिकल फार्मेसी, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ नर्सिंग सब्जेक्ट्स, नर्सिंग मैनेजमेंट, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, हेल्थ एजुकेशन, बायोकेमिस्ट्री, MSN, माइक्रोबायोलॉजी, ड्रग स्टोरेज मैनेजमेंट, कंप्यूटर इन नर्सिंग, इससे भी थोड़े क्वेश्चन आ जाते हैं कंप्यूटर से भी, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो कि फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है, बायोकेमिस्ट्री, मेंटल हेल्थ, साइकोलॉजी, इन्वायरमेंटल हाइजीन और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो कि हमने पहले बताया, टॉक्सोलॉजी, ये वो सब्जेक्ट और पोर्शन है जिनसे कि डायरेक्टली हर साल क्वेश्चन आते ही आते हैं। बात करूं नोरसेट की जो डेट है वो आ गई है 17 सितंबर 2023 को, यानी 200 से भी कम दिन बचे हैं, और ये 200 दिन में कैसे पढ़ना है उसकी स्ट्रेटजी के लिए मैं 4-5 दिन बाद एक मेरी नई वीडियो आएगी, जिसमें कि 200 दिन में आपको कैसे पढ़ना है, कैसे आपको थ्योरी क्लियर करनी है। अगर आपकी अभी भी जीरो तैयारी है या आपकी कुछ तैयारी है, या आपने नोरसेट 2022 हुआ था उसमें 10,000 से नीचे आप रैंक लेके हैं, तो आपको क्या क्या पढ़ना है, सभी स्टूडेंट के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना रहा हूँ, उसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, तो आपको उस वीडियो के लिए वेट करना है, 4-5 दिन में वो वीडियो आ जाएगी और मैं ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव कंसेंट आपको देता रहूंगा। तो पैटर्न जो फॉलो करता है एम्स, वो हर साल यही होता है, वही टॉपिक होते हैं, कुछ भी ऐसा चेंज नहीं है बड़ा, और वही चीज़ें हर साल फॉलो की जाती है। तो अपनी जो थ्योरी है उसको क्लियर करने की कोशिश करें, अपने अच्छे से एमसीक्यू प्रैक्टिस करें। एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बताया कि टीएनसी की टेस्ट सीरीज आज के दिन सबसे बेस्ट है, लाइक उसमें हर रोज रैंक मिल जाता है आपको, आपको पता रहता है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, कहाँ पे आप गलती कर रहे हैं। और मेरा शुरू से ही एक मैंने पैटर्न फॉलो करता हूँ कि हर रोज एक पेपर दिया, उस पेपर में अगर मेरे 30 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन जितने भी मेरे गलत हो रहे हैं या जो मेरे को नहीं आते मैंने स्किप किए हैं, उन सब क्वेश्चन पे काम करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उनको एक अलग कॉपी में लिख के रखें, एक कॉपी बनाएं जिसमें कि अपने 4-5 हज़ार क्वेश्चन ऐसे हों जो आपके हर बार आप गलत कर रहे हैं, जहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हैं। जो क्वेश्चन आपको आते हैं वो तो बहुत ईजी है, डायबिटीज मेलेटस में आपको पता है कि इंसुलिन लगाते हैं, ऐसे क्वेश्चन सबको आते हैं, वो तो बहुत ईजी चीज़ है, लेकिन जो गलत करके आते हैं वो वाले टॉपिक, वो वाले क्वेश्चन, आपको वो वाले पॉइंट एक कॉपी में नोट करने हैं, अपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, उनमें आपको चीजें लिख के रखनी है। 4-5 हज़ार क्वेश्चन से बाहर क्वेश्चन नहीं जाते, जो आप हर बार गलत करते हैं, हर बार वही रिपीट होते हैं। ये चीजें मैं आपको 4 मार्च की वीडियो में भी बता दूंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।